का महोत्सव में पंजाबी नाइट का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। मशहूर पंजाबी गायक जस्सी गिल के गीतों पर जहां लोग जमकर फिरके, वहीं बब्बर राय ने भी मंच से अपनी गायिका का ऐसा जादू बिखेरा कि लोग झूम उठे। पंजाबी गीतों की मस्ती का सुरूर कुछ ऐसा छाया कि युवाओं के साथ उम्र दराज लोग भी थिरकने को मजबूर हो गए और युवक युवतियों अपने मोबाइलों की टॉर्च जलाकर अपनी खुशी जाहिर की। लोग अपने को थिरकने से रोक ना सके। आलम यह था कि जस्सी और बब्बल की गीतों और उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों में भारी दीवानगी देखने को मिली और एटा महोत्सव के सैनिक पड़ाव में लोगों से खचाखच भारी अव्यवस्थाएं भी पैदा हो गई। वही लोगों की बेकाबू भारी भीड़ को जब अपने चहेते सिंगर को देखने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने कुर्सियों को भी तोड़ दिया और बैरिकेडिंग के लिए लगी टीन सेट को भी उखाड़ फेंक दिया। लोगों के भारी हुजूम और कुछ देर के लिए फैली अव्यवस्थाओं को पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के लिए संभालना मुश्किल हो गया। इसके बावजूद युवाओं में जस्सी गिल और बब्बल राय का क्रेज सर चढ़कर बोला और दोनों ने अपनी गायिका का ऐसा सम्मान बांधा कि वो देर रात चले। एटा से आरवी द्विवेदी की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज़।